अनुज ने दिखाई वनराज को औकात, क्योंकि यहाँ पर वनराज जो है वो माया के फेवर में बोलता नजर आया। विलास के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब ये सारी बहस हो रही होती है, जब काव्या जो है वो सारी सच्चाई बता रही होती है माया की अनुपमा को और सभी लोगों को, उस दौरान जो है माया भी अपनी सारी बातों को उगलती नजर आती है। माया कहती है कि हाँ ये सच है, क्योंकि ये बात अनुपमा जो है वो माया से पूछती है कि सबकी बातें एक तरफ, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ क्या ये सच है। जिसके बाद यहाँ पर माया जो है वो सारी बातें बताती है और कहती है सब कुछ मेरी तरफ से है, अनुज की तरफ से कुछ नहीं। जिसके बाद माया पर काफ़ी तेज चिल्लाती है अनुपमा और कहती है कि अपनी ज़बान से जो है वो अनुज का नाम मत लेना। ये सारी बातें हो रही होती हैं और फिर माया जो है वो सब कुछ बताती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। और आपको बता दें काव्या ने भी सारी बातें बता दी, इवन उस रात की बात भी बता दी जो कि छुपाया था अनुज ने। अब ऐसे में अनुपमा जो है वो अनुज से बहुत सारी बातें पूछेगी, लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो पूरी तरीके से अनुज का साथ देती नजर आती है। उसे ज़रा भी अनुज पर शक नहीं है, वो कहती है कि मैं अनुज पर खुद से ज़्यादा विश्वास करती हूँ। इधर आप देखने वाले हैं कि वनराज जो है मौका देखकर काफ़ी कुछ बोलता नजर आता है अनुज को, और वो कहता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक मर्द हूँ और मुझे मालूम है कि ये सारी चीज़ें जो है हो जाती है और आदमियों से गलती हो जाती है, और अनुज जो है वो इस तरीके की चीज़ें कर बैठा होगा गलती से। और फिर यहाँ पर अनुज जो है वो वनराज को बहुत ही खुली तरीके से बोलता है कि अनुज जो है वो कभी भी वनराज नहीं बन सकता। ये बात वो बोलता नजर आता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। वो ये बोलता नजर आता है कि अपनी बीवी को धोखा देना जो है वो अनुज कपाड़िया नहीं कर सकता, और किसी भी हालत में वो अनुपमा को धोखा नहीं दे सकता, और वो वनराज कभी नहीं बन सकता। जिसके बाद वनराज जो है वो आकर अनुज से कहता है कि वक्त और हालात किसी को भी वनराज बना सकते हैं। ये सुनने के बाद अनुज जो है फिर भी यही कहता है कि वो किसी भी हालत में वनराज नहीं बन सकता। और इसी बीच अनुपमा आ जाती है बीच में और कहती है कि जब मेरी माया और अनुज की बात हो रही है तो आप बीच में कौन होते हैं बोलने वाले, मेरी और माया की बात हो रही है तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, यानी कि वनराज को खुले तौर पर काफ़ी तेज चिल्लाती है अनुपमा और एकदम हिदायत दे देती है कि उसके अनुज के बीच में बिल्कुल भी ना बोले। और साथ ही साथ वो अनुज पर जिस तरीके से लांछन लगा रहा होता है, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े करता है, उसे देखकर अनुपमा का पारा बहुत हाई हो जाता है और वो अनुज के फेवर में ही नज़र आती है। और अनुज के फेवर में जब वो नज़र आती है तो अनुज को भी काफ़ी ज़्यादा बल मिलता है और वो बहुत खुश होता है। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है फैंस को कि अनुज की तरफ से जो कुछ भी था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और अब माया को जो है वो खुद अनुज बाहर का रास्ता दिखाएगा। ये अलग बात है कि माया जो है वो ये बोलने वाली है कि वो अनु को लेकर चली जाएगी। तो भाई यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर आ चुकी है। जहाँ पर वनराज को औकात दिखा दी अनुज ने, तो वहीं पर जो अनुपमा है उसे पूरा भरोसा रहा अनुज पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी वीडियो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें।